गाइस, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपना हेयर ऑयल जो मैं अपने बालों में लगाती हूँ। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें मैं डालने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये है मेथी, बादाम और अखरोट। वैसे तो ये बहुत महंगे होते हैं खाने में, ड्राई फ्रूट्स को खाया जाता है, लेकिन इनको बालों के लिए भी लगाया जाता है क्योंकि बालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब है, ये है रोज़ पेटल्स, ये है घी, कड़ी पत्ता, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, स्वीट आलमंड ऑयल, ये ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये है सरसों का तेल, और है ये है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये है प्याज जो हम घर पे खाते हैं, खाना नहीं है, लगाना है बालों में, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं काटने जा रही हूँ प्याज, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्याज के काटने के बाद प्याज के छिलकों को फेंकना नहीं है, प्याज के छिलकों को बालों में लगाना है। इससे क्या होता है, जो बालों में ग्रे आ जाते हैं ना, जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं या थोड़े फीके से लगने जाते हैं, प्याज के छिलके से बाल थोड़े से काले रहते हैं। तो उसमें मैं पूरा का पूरा साबुत ही प्याज काट रही हूँ छिलकों के साथ, छिलकों को मैंने अलग नहीं करा, बिल्कुल प्याज के साथ ही काटा है उन्हें। रुकी रही हो, सब्जी बना रही हो, तेल बना रही हो? प्याज काट रही हूँ। प्याज काट रही हो, इतना मत रो। क्या एक्टिंग करती हो यार तुम रोने की। अब मैंने एक चम्मच घी लिया है। बोलते हैं बालों के लिए घी बहुत अच्छा होता है, मेरी अम्मा मतलब दादी जो है वो आज तक उनके बाल काले हैं बिकॉज ऑफ घी। ये मैंने डाला है स्वीट आलमंड ऑयल, क्योंकि बिल्कुल प्योर बादाम ऑयल होता है। वैसे तो मैं बाद में बादाम डालने वाली हूँ, बट ये बहुत अच्छा होता है, इसको भी डालना चाहिए। इसको फेस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, ये डार्क सर्कल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद मैंने डाला है कैस्टर ऑयल, जो कि डब्बा मर से खुला ही नहीं, फिर मैंने इसको चाकू से तोड़ा तब जाके खुला थोड़ा बहुत। अब मैंने कैस्टर ऑयल डाल दिया है, और कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये मैंने बहुत सारा डाल दिया है। अब मैंने डाला है इसमें ऑलिव ऑयल, क्योंकि ऑलिव ऑयल बालों के लिए जैतून का तेल बोलते हैं अच्छा होता है। उसके बाद मैंने डाला है सरसों का तेल, ये घर का नॉर्मल यूज़ करा हुआ सरसों का तेल है, तो मैंने वही डाल दिया, तो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए सारे तेल जो मैंने डाले हैं। मैंने पहले डाला है मेथी, बादाम और अखरोट। क्या होता है ना, जो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो तेल जो है उछलने का डर रहता है, ताकि हाथ में हर्ट भी हो सकता है आपको, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। इसलिए मैंने चम्मच को छोड़ के हाथों से करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ताकि इसको चोट ना लगे। मैंने सारे पेटल्स डाल दिए, उसके बाद मैंने डाला जो कटा हुआ प्याज और छिलका था वो भी मैंने डाला हाथों से ही, ताकि वो तेल उछले ना। इतना सारा प्याज, सब्जी बन जाएगी। सब्जी बना रही हो? नहीं, बालों में लगाऊंगी। बालों में सब्जी लगाओगी? तड़का लग गया इसका तो। अब तो तड़का अब लगेगा कड़ी पत्ता का। यार तुम, मुझे नहीं लग रहा तुम तेल बना रही हो, तुम तो मेरे ख्याल से सब्जी बना रही हो। ये पता, मैं पार्क से लेके आई। जब आपने सारे इंग्रेडिएंट्स तेल में डाल दिया है, तो उसको अच्छे से मिक्स करें, दबाएं, ताकि सारे जो तेल है वो सारी चीजें अब्सॉर्ब कर ले। तब आप ना प्लीज मेरी वॉइस को, तो पहली बार अवॉइड करना, बहुत गंदी हो रही है। दूसरी जी, इसको तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल ना ब्लैक नहीं हो जाए, काला नहीं हो जाए। रीजन बिंग काला तब जब होगा, तभी इसके जितने भी प्रोटीन्स वगैरह हैं, बायोटिन है, वाइटामिन है, सारे तेल में चले जाएंगे। और कमाल की बात है कि सब ना फेंकना नहीं है इनको। इनको ना अच्छे से मिक्स करके इसी के तेल के अंदर डाल देंगे, ताकि इसकी प्रोटीन इसी में रहे। देख सकते हो कैसे उबल रहा है। ये जो अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा मिलती है ना, ऐसे ही खाना बनता था। कड़ी पत्ता, जड़ी बूटियां बना दी है तुमने। सजा देने वाली हो तुम मुझे। कोई बालों में लगाएंगे आपके। आपको इसको बीच बीच में अच्छे से हिलाते भी रहना है। तो आप देख सकते तेल काफी हद तक बन गया है, तेल काफ़ी हद तक बन गया है। तो अब मैं इसकी गैस बंद कर देती हूँ, ताकि ठंडा हो सके। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि ये फटाफट हम, और इसका ये जो है ना, ये इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हम इसको पेस्ट बनाएंगे इसका, क्योंकि इसे बादाम का सब कुछ है, इसको फेंकना नहीं है, इसका पेस्ट बना के इसी तेल के अंदर डाल देंगे, ताकि इसके अंदर इसके जो पोर्शन है हमेशा रहते रहे। तो इसको मैंने ओवरनाइट रख दिया था। ओके गाइस, अच्छा ठीक है। अच्छा ये गाइस, मैंने रात भर
मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, रात को भिगो के रखा था, मतलब बना के मैंने रख दिया ओवरनाइट। अब मैं इसको छान के तेल में डालूंगी। देखिए क्लीन तेल आ रहा है एकदम। एक सेकंड मैं अपना सीधा हाथ दिखाती हूँ क्योंकि मेरा लिट्टा हाथ ये करता। अब ये साला कवाड़ा जो आप सोचोगे कि कवाड़ा है इसका क्या करेंगे हम, सो कवाड़े को फेंटना नहीं है। देखो तेल बन गया मेरा, नीचे देखो अनियन ऑयल। अब इसमें बहुत तेल है, इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि सारा का सारा तेल अंदर चला जाए। मेरे को आइडिया दिया है, मुझे अपने कहा इस कटोरे को रखो और दबाओ। निकल तो रहा है, निकल रहा है। तो आप देख सकते हो कि तेल निकल चुका है। अब आप ये सोचोगे कि इनका क्या करना है, जो कड़ी पत्ता था, रोज पेटल्स थे, बादाम है, अखरोट है, मेथी है, इनको फेंकना नहीं है। आप इनको पीसो और पीसने के बाद जो ऑयल होगा उसी के अंदर डाल देना, ताकि जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके प्रोटीन्स हैं, विटामिंस हैं, सो भी एसेंशियल्स होते हैं ऑयल्स। हाँ वही, जो भी पति देव ने कहा, वो जो ऑयल्स होते हैं वो उसके अंदर रहे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, ये तो मेरा देखो ऑयल बन चुका है, सुना छोड़ो एक मिनट इसको, और मैं इनको पीसने वाली हूँ। अजी वन टू थ्री गो। ये तेल लिया और मैंने इसके मसाज होए मुझ आ गए। ओहो ओहो दमन दमन देखे बिल्कुल पेस्ट बन गया इसका। या तो आप इसको बाद में स्टोर करके पेस्ट अपना मेहंदी वगैरह लगा तो उसमें लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर इसको तेल में ही डाल के लगा सकते हो। तो मैं इसको तेल में रखने वाली हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो मैं इसी डब्बे में वापस भर दूंगी क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा डब्बा नहीं है तेल भरने के। ये रहा डब्बा, ये गया अपन का तेल। ये देखो जी सारा तेल, एक एक बूंद है बहुत कीमती। तेल अब मैं इसको हटाने जा रही हूँ क्योंकि अब तुम्हारा ओरिजिनल बन चुका है। हाँ ये मेरा ओरिजिनल तेल है, हट नहीं रहा, लेकिन मेरे चिकने हाथ बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यस हाँ। ये देखो जी, तो ये है मेरा ओरिजिनल खुद का बनाया हुआ ईशा की रेसिपी। तो जो भी मैंने इसमें सामान यूज़ किया, इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, वो मैंने अपने लिंक में डाल दिया और आप जाके मेरे स्टोर से भी ले सकते हैं। तो ये रहा तेल, ब्लैक अनियन ऑयल, बालों के लिए है बहुत अच्छा। तो आप भी ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसा लगा। थैंक यू।